अबे डायलॉग बोल, ये क्यों खड़ा है? एक्शन का डबल एक्शन, एक्शन। जब भूख लगती है तो कोई खाना नहीं देता, जब प्यास लगती है तो कोई पानी नहीं देता। अरे यार खाने दो ना, क्यों क्यों बीच में टांग अड़ा रहे हो, खाने दो। जितना खाना चाहिए पेट को लगे। पिछले एपिसोड में हमने आपको बापूजी जितेंद्र महाराज से मिलवाया था। फिलहाल आज के इस एपिसोड में हम नंगारा प्रोजेक्ट एवं भक्तिधाम के बारे में कुछ आपको जानकारी देने वाले हैं। चंद लोगों ने हमें रिक्वेस्ट की थी कि भाई नंगारा प्रोजेक्ट के बारे में एक और वीडियो बनाओ, क्योंकि हमने पिछले एक वीडियो बनाया था, लेकिन कुछ लोगों की रिक्वेस्ट के कारण दोबारा हम नंगारा प्रोजेक्ट का वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। भक्तिधाम को लेकर हमने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप चाहो तो ऊपर दिए गए कार्ड्स पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। फिलहाल आज के इस एपिसोड में हम ज़्यादातर प्रयास नंगारा प्रोजेक्ट को दिखाने की करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का यही रिक्वेस्ट था कि अब अनिल भाई नंगारा प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, इसे प्लीज़ वीडियो में दिखाओ करके रिक्वेस्ट किया था। इसलिए चलो शुरू करते हैं। इस रोड से बाइक वगैरह जाती है, स्पेशली हम साइकिल पर नहीं जा रहे, क्योंकि साइकिल जो है वो जमेगा नहीं यार, ऐसे अच्छा लगेगा यूं ही हम किसी बाइक पे ड्रॉप मांग ले। और मैं तो हमेशा ये करता हूँ, जिसे हम कह सकते हैं कि एक तरह से हिचहाइकिंग। अभी मैं वेट करे जा रहा हूँ, अगर कोई बाइक वाला यहाँ से इस रोड से गुजरेगा तो मैं उसे उससे ड्रॉप मांगूँगा, और ड्रॉप भी देने वाले काफ़ी लोग हैं यार, ड्रॉप दे देंगे। एक है तो एक मिनट रुकते हैं। एक नंबर वाटर म्हणजे वेगळेवेगळे कॅमेरा वेगळेवेगळे का? जो सिच्युएशन में जो कॅमेरा ॲप यूज कर सकाचा जरूरत स्वतः आपण मालूम पडायचं, जे बदली आपण काय करायचं, एक कॅमेरा दी कॅमेरा ॲप हनु रखाडानी, आपण घणे कॅमेरा ॲप यूज करायचा मन कॅनो कच की व्हिडिओ को अत्रा क्लिअर कर लेची के ताणे। तो रीझन छ कारण छ की आपण काय काय करायचं ओरला आपण मालूम यहाँ का जो प्रोजेक्ट है ना, वो नंगारा प्रोजेक्ट, वो अभी तक नहीं कंप्लीट हुआ है। आप पीछे देख सकते हो, एक या डेढ़ साल पहले मैंने और एक वीडियो बनाया था इसकी इसी के ऊपर, और आप लोगों में से कुछ लोग थे जो मुझे रिक्वेस्ट करे जा रहे थे कि भाई और एक दफ़ा जाओ नंगारा प्रोजेक्ट के बारे में कुछ दिखाने की प्रयास करो करके। तो फिलहाल मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ये जो प्रोजेक्ट है अभी तक कम्प्लीट नहीं हुआ है। तब जब मैं आया था तो केवल एक मंजिला इमारत बना था ये, अभी जब आ रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा बन चुका है, लेकिन अभी अभी भी इसके बहुत सारे काम बाकी है। और ये जो पूरी तरह से आप बिल्डिंग देख सकते हैं, ऊपर ऊपर की तरफ से ये नंगारा जैसा कुछ दिखेगा, और इस तरफ यात्रियों के लिए ये रूम्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये अभी कुछ काम बहुत सारे काम बाकी है इनके, कम्प्लीट नहीं हुआ है। और वो आप पीछे देख सकते हैं, अभी तक नहीं कम्प्लीट हुआ है, पीछे आप देख सकते हैं। हम नंगारा प्रोजेक्ट के यहाँ एक ऐसे व्यक्ति के तलाश में थे जो कि हमें गाइड कर सके और नंगारा प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिटेल जानकारी दे सके, लेकिन ऐसे कोई भी व्यक्ति हमें वहां पर नहीं मिला। एक इंजीनियर था, उसने भी कहा कि हमारा जितना काम होता है उतना ही कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, हमें थोड़े थोड़े करके काम दिए जाते हैं, इसलिए मैं आपको इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर कुछ बता नहीं सकता करके उसने मेरे को बता दिया। इसलिए मैंने सोचा कि मैं स्वयं वीडियो बना देता हूँ, और हमने ये शुरू भी कर दी। ये तो हो गया अभी बनना, ये बाजू से बनेगा ताज का आएगा। अच्छा, अभी बहुत काम बाकी है, अभी कितने साल लगेंगे पता नहीं, दो साल लगेंगे लगता। मैं डेढ़ साल पहले आया, हाँ डेढ़ साल पहले आया, देखा ना वीडियो तुम्हारा। अच्छा, तो
यार ऊपर चढ़ाई करने के लिए काफ़ी अच्छा बन रहा है, एक नंबर। आप नीचे देख सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग आते हैं ना जब मेला वगैरह लगेगा तो काफ़ी लोग ज़्यादा इकट्ठा होते हैं, भीड़ बड़ी भीड़ होती है, तो इस वजह से बड़े चढ़ाई करने के लिए ऐसा बनाया गया है। काफ़ी सारे लोग चढ़ाई करते एकदम से, तो ये तो नॉर्मल है, करना ही पड़ेगा इतना तो। तो हर जगह एक हॉल है, आपको दिखेगा यहाँ पर भी ऊपर एक हॉल है, नीचे भी सेम इसी तरह का हॉल है। और मैं नीचे नहीं गिरना चाहता, यहाँ से गिरूँगा तो मेरा कोई अशर ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पे इस तरफ आप देख सकते हो खुला है पूरा, ईंटें ऐसे ही पड़े हुए हैं यहाँ पर। चौथे मंजिल से आप देख सकते हो इस तरह का हॉल स्टार्ट होगा, ये है चौथा, ऊपर वाला फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, और वो लास्ट, शायद लास्ट। एक और एक बार दिखाऊं, ग्राउंड, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, एंड दिस इज फोर्थ वन, दिस इज फोर्थ वन, एंड फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन, सेवेंथ एंड लास्ट इज एट। ओके, पब्लिक के लिए आने जाने के लिए टोटल 4 लिफ्ट्स बनाए जाएंगे और 2 एडिशनल स्पेस वैसे ही एक्स्ट्रा छोड़ दिया जाएगा ताकि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें भी इस्तेमाल में लिया जा सके। और ये जानकारी मुझे जब मैं नगारा प्रोजेक्ट के वीडियो बनाकर वापस से लोड रहा था तब मुझे किसी ने दिया था। ये मैं अंतिम छोर में आ चुका हूँ, ऊपर लास्ट है चाहूँगा तो, और यहाँ पर अभी भी काम चल रहा है ऊपर की तरफ। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है यार, इतना आसानी से कंप्लीट नहीं होगा, प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है, आसान नहीं है इसे इतना जल्दी कंप्लीट करना, बड़ा प्रोजेक्ट है, टाइम तो लगेगा, है ना, बड़े प्रोजेक्ट के लिए टाइम तो लगेगा और इसके लिए टाइम भी लग रहा है। और यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो नीचे का नज़ारा इस तरह लगता है, और वहाँ पर आप देख सकते हैं सेवालाल महाराज की मंदिर, और ये आसपास का गांव है। कल ज़्यादा गर्दी होगी, है ना, कल ज़्यादा गर्दी। ये जो हर हॉल में क्या मतलब ये कपड़े का दुकान वगैरह होता है ना यहाँ पर। अच्छा अच्छा, अभी ये लास्ट है, मतलब 8 मंजिला इमारत है ये टोटल। भैया जो है मुझे बता रहे थे कि मैं आपके साथ में आऊँगा, लेकिन वो खाना खाने के लिए गए थे और उनको काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, तो मैंने सोचा कि ठीक है यार वो कब आते हैं पता नहीं, मैं अकेला चला जाता हूँ। ये जो है ना आपको जो दिख रहा है ये होटल्स है, शायद नहीं होटल्स ही है, जो यात्री यहाँ पर आएंगे इन होटल्स में रहेंगे, यात्री आने वाले यहाँ पर इन में रहेंगे। और ये कितना मंजिला बनेगा? एक ही मंजिल बनेगा, ये एक ही मंजिल का बनेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं ना, केवल विज़िट करके चले जाते हैं ज़्यादातर लोग, इसलिए शायद ऐसा है। चलो आ ही गए आखिरी मंजिल पे, और ये फाइनल है, अगर आपको दिखाऊं तो ये फाइनल है, दिस इज़ फाइनल कम्प्लीटली, ऊपर फाइनल है ये फाइनल। थक गया यार मैं चढ़ते चढ़ते चढ़ाई करते, अभी जाऊंगा मैं यहाँ से, चढ़ाई करते करते थक गया मैं सच में। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हमने आज के इस एपिसोड में पूरी तरह से प्रयास किया है कि नंगारा प्रोजेक्ट के बारे में आपको कुछ दिखा सके, और हमने पूरी तरह से ऊपर चढ़ाई करके जो बिल्डिंग सभी बन रही है पूरी तरह से ऊपर चढ़ाई करके और उसके अंदर में जो भी हॉल बन रहे हैं उन्हें दिखाने की कोशिश की है। तो फिलहाल उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा ज़रूर लगा है, अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल वाला जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले समय में आप हमारे कोई भी एपिसोड मिस ना कर सकें। तो फिर मिलेंगे एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, और आप सबको जय सेवालाल।